नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूँ। जिस प्रकार से मैंने आपको कल एक वीडियो दिखाया था कि बरोखा गांव के अंदर अवैध रूप से शराब की जो है वो बिक्री की जा रही थी, और शराब कौन सी, जो घर पे निकाली हुई शराब होती है, जिसको हथकड़ देसी भाषा में शराब बोलते हैं, वो गांव बरोखा में धड़ल्ले से बिक रही थी। तो जैसे ही ग्राम पंचायत ने, सरपंच ने शराब बेचने वालों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। उसके बाद में अगले ही सुबह, यानी कि आज के दिन सुबह, सरपंच साहब के पास कॉल आता है कि हम तो ऐसे ही बेचेंगे, अगर आपको शाम को और ज़रूरत हो तो बता देना। यानी कि वो प्रमाण दे रहे थे कि हम छूट करके वापस आ चुके हैं, क्योंकि उनके पास एक बोतल या आधी बोतल जो शराब है वो मिली थी। तो ऐसे में उनकी बेल हो गई, ऐसा ही कहा जा सकता है जब उनका कॉल आता है। तो अच्छा, उसके बाद में जब शिकायत की गई, तो शिकायत के आधार पर जो सिरसा पुलिस अधीक्षक हैं उनको शिकायत की गई। शिकायत भेजने के तुरंत बाद जो है, सिरसा पुलिस अधीक्षक ने सदर थाना SHO की ड्यूटी लगाई और वहां पे रेड डलवाई, लाइव रेड। आपको इसके हरियाणा के माध्यम से मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। दारू है? ये लान है। अभी आपने जो तस्वीरें देखी, वो तस्वीरें फरवाई से भरोखा गांव की तरफ जब आते हैं, तो रास्ते में एक ढाणी आती है जहां पे अवैध शराब निकालने का कारोबार पूरा धड़ल्ले से चलता है, और आज का नहीं, वर्षों से चलता आ रहा है। तो ऐसे में ऐसा पहली बार हुआ है मेरे देखने के अंदर, जब से मैं पैदा हुआ हूँ या जब से समझ पकड़ी है तब से लेकर के आज तक मैंने इस तरह से कार्रवाई होते हुए इस ढाणी में नहीं देखी। जबकि चर्चाएं ये चलती हैं पूरे आसपास के गाँव में कि यहाँ पे अवैध शराब निकालने का जो धंधा है वो बहुत ज़्यादा जोरों पे चलता है, और आसपास के गांव के साथ साथ आसपास के जिलों में भी इनकी शराब की सप्लाई होती होने की सूचना मिली है। जैसे ही कार्रवाई डली, SHO साहब खुद आए, यहाँ से काफ़ी सामान जो है, रॉ मटेरियल जो है वो बरामद किया, और कुछ शराब भी बताई जा रही है कि SHO साहब ने, पुलिस ने बरामद की है। कुल मिलाकर के कहूँ तो पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पे हाथ लगी है। जिस प्रकार से एक ओर हरियाणा सरकार ने शराबबंदी कर रखी है, वहीं दूसरी ओर शराब माफियाओं का जो काम है वो जोरों शोरों पर है। तो ऐसे में मुनाफे की आड़ में न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद करने के लिए ये लोग उतारू रहते हैं। जब हम वहां पे रिपोर्ट करने पहुंचे, तमाम विजुअल बनाने पहुंचे,
तो कुछ नहीं कहा गया क्योंकि वहां पे पुलिस थी। लेकिन उसके बाद में जैसे ही हम फरवाई से भरोखा गांव की तरफ आ रहे थे और एक मैंने आपको जो ट्रक का शॉट दिखाया, ट्रक का विजुअल दिखाया, उसके पीछे दो बाइक भी थे, उन्होंने हमें देख लेने की धमकी भी दे करके गए हैं। और उसके बाद जब मैं अपने वापस घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में एक बाइक सवार युवक ने हमारा पीछा किया और गाड़ी रुकवाने का भी प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के अगर इस तरह की घटनाओं से पर्दा उठाने का असर यही होता है तो क्या आम आदमी कहां सेफ रहेगा।